गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आवर न्यू चैप्टर इज तुगलक डेंसिटी इन हिस्ट्री। इनका जो पीरियड रहा 1320 टू 1412। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे फर्स्ट टॉपिक है ग्यासुद्दीन तुगलक। इनका पीरियड रहा 1320 टू 1325। आफ्टर खिलजी डेंसिटी ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डेंसिटी। खिलजी वंश के बाद जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वह तुगलक डेंसिटी का पहला शासक रहा। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिवाइव एंड रिस्टोर द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ सल्तनत। बींग एन इफिशेंट एडमिनिस्ट्रेटर ही फर्दर एक्सटेंडेड द टेरिटरीज ऑफ हिज एम्पायर। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट एक्सेसिव टैक्सेशन रिजल्टेड इन अप्रोरर इन द सोसाइटी। देयरफॉर ही इम्पोज्ड रीजनेबल टैक्सेस, इनकरेज्ड एग्रीकल्चर एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। ग्यासुद्दीन तुगलक वॉज अ डिवोट मुस्लिम बट ही नेवर प्रोसिक्यूटेड हिंदूज। खिलजियों के बाद जो मध्यकाल में तुगलकों का शासन हुआ और उसमें ग्यासुद्दीन तुगलक उसका प्रथम शासक रहा। उन्होंने साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया और अपना जो प्रशासन था उसे फैलाया। तुगलक शासन जानते थे कि ज़्यादा करों से जो प्रजा है उसमें असंतोष की वजह से विद्रोह भी हो सकता है, रिवोल्ट भी हो सकता है। अतः उन्होंने जो कर को अधिक बल नहीं दिया और ना अधिक कर बढ़ाया, कृषि को प्रोत्साहन दिया और शांति व्यवस्था बनाए रखी। और तुगलकों ने जो पूरा उनका डिवोशन था वो मुस्लिम के लिए था, लेकिन वो उन्होंने कभी भी हिंदुओं को सताया भी नहीं था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका पीरियड रहा 1325 टू 1351। आफ्टर द डेथ ऑफ ग्यासुद्दीन तुगलक ही सन मोहम्मद बिन तुगलक असेंडेड द थ्रोन एंड बिकम सल्तनत इन द ईयर 1325। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी? प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम्स इंटेंडिंग देयर बाय द प्रोग्रेसिव ऑफ हिज एम्पायर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सुल्तान ने साम्राज्य की प्रगति और सुव्यवस्था के लिए कई नवीन योजनाएं चलाई जिससे आर्थिक सुधार हो सके। सुल्तान के द्वारा चलाई गई ये योजनाएं सफल नहीं हो पाई क्योंकि उसने उनको सही तरीके से लागू नहीं किया। और उनकी जो कुछ योजनाएं थी वो इस तरीके से थी कि इंक्रीज टैक्सेशन ऑफ दोआब में कर की वृद्धि। दोआब वॉज हाईली फर्टाइल प्लेन लोकेटेड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। इन ऑर्डर टू इनहेंस द स्टेट रेवेन्यू द सल्तनत इंक्रीजिंग द टैक्सेस ऑन हिज फर्टाइल प्लेन। राज्य की आय बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा और यमुना के बीच जो समुद्र और जो उपजाऊ भूमि थी उस पर दोआब में कर बढ़ाने का प्रयोग किया। उसने वहाँ भूमि कर में वृद्धि की और कुछ अन्य करों की भी वसूली शुरू कर दी। जिस समय यह कर लगाया गया उस समय यहाँ भयानक अकाल पड़ा हुआ था, किंतु वो निरंकुश शासक था और उसके शासन के भय से अधिकारियों ने सुल्तान को इनकी जानकारी भी नहीं दी और बड़े कर की वसूली जारी रखी। इससे क्या हुआ कि जो उसकी प्रजा थी उसमें असंतोष फैलता चला गया। खेती भी बर्बाद हो गई थी जो उनका एग्रीकल्चर था। किसान अपने घर छोड़कर अब जंगलों में छुपने लगे थे। इन कारणों से लोगों ने कर देने से इनकार कर दिया और उसमें विद्रोह फैल गया। बाद में सुल्तान ने राहत के लिए बीज और ऋण की व्यवस्था की, किंतु तब तक विलंब बहुत हो चुका था, देर हो चुकी थी और सुल्तान कर बढ़ाने की योजना भी जो उसने योजना बनाई थी वो भी असफल हो गई थी। कल हम उसके कैपिटल चेंज के शिफ्टेड कैपिटल के बारे में जानेंगे।